नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ड्रीम क्रिक गुरु में। आज हम बात करेंगे जो मैच होने वाला है दोस्तों, बेलागावी पैंथर्स और दोस्तों यहां से मयूरी वॉरियर्स के बारे में, उसके बारे में ड्रीम इलेवन के बारे में चर्चा करेंगे। आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट इफेक्ट रह सकता है दोस्तों, क्या कैप्टन और वाइस कैप्टन की चॉइस रह सकती है, उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। और साथ में दोस्तों जो मैप माई फेव इलेवन है उसके बारे में हम डिटेल से चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करें दोस्तों मैच कहाँ होने वाला है, आप यहाँ से देख सकते हो। मैच आपके लिए यहाँ से बेंगलुरु के स्टेडियम में होने वाला है, जो कि एक दोस्तों यहाँ से अच्छा स्कोरिंग विकेट है। आप यहाँ से देख सकते हो फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर 158 रन रहा है, वहीं सेकेंड इनिंग से एवरेज स्कोर 147 रहा है। हाईएस्ट टोटल आप यहां से देख सकते हो 202 रन बनाए, भाई लोएस्ट टोटल 127 बनाए। हाईएस्ट 194 हुआ है दोस्तों, और जो लोएस्ट डिफेंड है वो 146 हुआ है। हालांकि ये इंटरनेशनल रिकॉर्ड है दोस्तों, इतना स्कोर कर लिया थी मैच आपने देखा हो, इतना देखने को नहीं मिला, क्योंकि दोस्तों विकेट उस तरीके से नहीं खेल रही थी जिस तरीके से दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय मैचों में या दोस्तों ब्रिटेन और यहाँ से इंडियन प्रीमियर लीग के मैचों में खेलती है। लेकिन आपके लिए फिर भी एक अच्छा स्कोर देखने को आज के मैच में मिल सकता है, क्योंकि आज के मैच में काफ़ी शानदार प्लेयर आपके लिए हैं। सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं दोस्तों आपके लिए जो की फैक्टर साबित हो सकते हैं, और इम्पोर्टेंट टीम न्यूज़ के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले वॉरियर्स के बारे में बात करें, कृष्णमूर्ति सिद्धार्थ आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। लास्ट में जो 77 रन की नाबाद इनिंग्स खेली थी उसके साथ साथ इन्होंने एक विकेट भी चटकाया था, तो आपके लिए एक शानदार ऑप्शन बनाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। अमित वर्मा के बारे में बात करें तो लास्ट मैच में इतना ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे, फर्स्ट डाउन भाई बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे दोस्तों, और पिछले सीजन की यदि बात की जाए तो 158 रन बनाए थे और 10 विकेट भी इन्होंने चटकाए, तो आपके लिए ये भी शानदार चॉइस हो जाती है, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करें निश्चल और कृष्णमूर्ति आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं स्वेप मैनेजर आपके लिए आप देख सकते हो, लास्ट सीजन में 175 रन इन्होंने भी बनाए थे। वहीं बात करें जगदीशन सुचेत जो पहला मैच हुआ था दोस्तों, इसमें इन्होंने शानदार 3 विकेट चटकाए थे। हालांकि जो इनका सेकंड मैच हुआ था उसमें कुछ नहीं कर पाए थे, पहला मैच इनका रद्द हो गया था दोस्तों, इनकी बैटिंग कोई नहीं आई थी किसी भी बल्लेबाज की, फर्स्ट इनिंग्स में ही रद्द हो गया था। हालांकि सेकंड मैच में दोस्तों इन्होंने शानदार फर्स्ट मैच में उन्होंने शानदार 3 विकेट जरूर चटकाए थे, लेकिन सेकंड मैच में ये कुछ नहीं कर पाए थे। वहीं बात करें बेलागावी पैंथर्स के बारे में, होवर और आपके लिए दोस्तों यहाँ से समर्थ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, और दोनों ही दोस्तों शानदार बल्लेबाज हैं। अक्षदीप सिंह ब्रार के बारे में बात करें दोस्तों तो लास्ट सीजन इनका काफ़ी शानदार रहा था, 111 रन की इन्होंने इनिंग्स खेलकर दी थी दोस्तों। और बात करें दोस्तों यहाँ से जो शुभम हेगड़े हैं दोस्तों, इनके काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं। हालांकि अंडर 19 में उन्होंने शानदार परफॉर्मेंस किया था, पहले मैच में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, लेकिन आपके लिए काफ़ी इंपोर्टेंट प्लेयर हो जाते हैं, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ मनीष पांडे के बारे में अभी कोई न्यूज़ नहीं आई है कि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, लेकिन अभी तक 99% जो बात है निकल के आ रही है दोस्तों वो यही आ रही है कि खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। यदि खेलेंगे या नहीं खेलेंगे वो अपने टेलीग्राम चैनल पर मैं अपडेट कर दूंगा, आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगा, इसकी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना दोस्तों। यहाँ पे आपके लिए मैं काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ और दोस्तों जो टीम के बारे में इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करवाता रहता हूँ। और दोस्तों जो इनके फारूखी बॉलर हैं उन्होंने 2 विकेट लास्ट मैच में चटकाए थे, तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाते हैं। हेड टू हेड लास्ट 5 मैचों के बारे में बात करें दोस्तों, 2 यहाँ से आपके लिए पैंथर्स ने विन करके दिए हैं और वॉरियर्स ने मात्र 3 विन करके दिए हैं, मतलब पैंथर्स कहीं ना कहीं पीछे हैं। यहाँ से कोई मैच ऐसा नहीं रहा जिसका रिजल्ट नहीं आया। चलिए संभावित 11 और बैटिंग ऑर्डर के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। बैटिंग ऑर्डर सेम रहने वाला है, यदि लास्ट बैटिंग ऑर्डर के साथ गए तो मेरे हिसाब से ज़्यादा कोई यहाँ से चेंजेस देखने को आपके लिए नहीं मिलेंगे। बात करें दोस्तों यहाँ से पैंथर्स के बारे में, आपके लिए समर्थ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे होवर के साथ। होवर ने पहले मैच में कुछ नहीं कर पाया दोस्तों, 10 रन बनाए, विकेट इन्हें कोई नहीं मिला था। वहीं अब्बास आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो जाते हैं, 19 रन के स्कोर किया दोस्तों यहाँ से दोस्तों, ये खाता नहीं खोल पाते। वहीं नेगी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, और उसके अलावा बात करें दोस्तों आप यहां से देख सकते हो मनोहर आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। भटकल बल्लेबाजी के साथ साथ थोड़ी बहुत गेंदबाजी भी करते हैं। अक्षदीप सिंह ब्रार दोस्तों कुछ नहीं कर पाए थे बल्लेबाजी से, गेंदबाजी में दोस्तों इन्हें कोई विकेट नहीं मिला था। शुभम हेगड़े हैं दोस्तों, 14 रन का स्कोर किया था लेकिन विकेट नहीं मिला था। अविनाश को 1 विकेट मिला और फारूकी को यहाँ से 2 विकेट चटकाए थे। वहीं वॉरियर्स के बारे में बात करें दोस्तों आपके लिए, निश्चल के साथ ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे सिद्धार्थ। निश्चल पहले मैच में कुछ नहीं कर पाए दोस्तों, और बात करें सिद्धार्थ की 77 रन और 1 विकेट इन्होंने चटकाया था, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, मतलब इससे आपके लिए गेंदबाजी करते हुए नजर भी आ जाएंगे। भाई अमित वर्मा के बारे में बात करें, 14 रन 1 विकेट चटकाया और फर्स्ट डाउन पर ही बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। भाई बेडरे के बारे में बात करें, 1 रन इन्होंने बनाया था दोस्तों। मैंगर के बारे में बात करें दोस्तों, इन्होंने अपना खाता नहीं खोल पाया था। जगदीशन सुचित जैसा कि मैंने बोला शानदार गेंदबाज है, आप इन टीम में ट्राई कर सकते हो। बल्लेबाज में आप देख सकते हो 6 नंबर पर लगभग बल्लेबाजी करने के लिए आएंगे, हालांकि इन्हें ऑलराउंडर सेक्शन में रखा गया है। यहां से देख सकते हो पहले मैच में इन्होंने 3 विकेट चटकाया दोस्तों, इन्हें ही 3 विकेट गिरे थे सामने वाली टीम की जो इन्होंने ही चटकाया था, लेकिन सेकंड मैच में 1 रन और कोई विकेट इन्हें नहीं मिला था। वहीं जोशी के बारे में बात की जाए दोस्तों, 26 रन 1 विकेट इन्होंने चटकाया था।
सेकंड मैच में, पहले मैच में ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए थे क्योंकि दोस्तों पूरा नहीं हुआ था। वहीं बात करें दोस्तों जो विकेट कीपर बल्लेबाज विनय सागर 7 रन इन्होंने बनाए थे दोस्तों। वहीं बात करें दोस्तों यहाँ से विजय कुमार ने 2 विकेट चटकाए थे, वहीं पराबीरा ने 1 विकेट चटकाया था और मूर्ति ने भी 1 विकेट यहाँ से चटकाया था। तो आप एक कुछ रिकॉर्ड देख सकते हो और दोस्तों ये इनका बैटिंग ऑर्डर है, इसको आप ध्यान से देख सकते हो। चलिए यहाँ से चर्चा कर लेते हैं माई फैब एप्लीकेशन के बारे में। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाकर जैसे ही आपके लिए डाउनलोड करोगे दोस्तों 50 रुपये कैश बोनस आ जाएगा। लेकिन कैश बोनस के लिए आपके लिए कोड डालना होगा राज123। जी हाँ दोस्तों, राज123 आप कोड डालोगे तब आपके लिए 50 रुपये का कैश बोनस आ जाएगा। तो इसका कैश बोनस दोस्तों हर एक लीग में यूज़ हो जाता है। इस पर खेलने के लिए रिकमेंड क्यों करता हूँ दोस्तों, उसके पीछे रीज़न है क्योंकि इसमें आपके लिए बहुत कम कंपटीशन है। ड्रीम इलेवन से आपके लिए 40-50% का इसमें कम कंपटीशन है और विनिंग करने के चांसेस काफ़ी हाई हो जाती हैं। तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत शानदार एप्लीकेशन है। इसकी टीम का आपके लिए मैं डायरेक्ट यहाँ से फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूँ, तो आप इसकी टीम का डायरेक्ट फाइनल प्रीव्यू यहाँ से देख सकते हैं दोस्तों। आरएस हैं, होवर हैं, अब्बास हैं, निश्चल हैं दोस्तों, यहाँ से सिद्धार्थ हैं आपके लिए मैंने टीम में ट्राई किया है, नेगी हैं दोस्तों, अमित वर्मा हैं, जगदीश हैं, सुचित हैं, फारूकी हैं दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ से, विजय हैं और दोस्तों पीवी, इनको मैंने टीम में ट्राई किया दोस्तों। कैप्टन वाइस कैप्टन आपके लिए दोनों अच्छे ऑप्शन हो जाते हैं। और दोस्तों इसके अलावा हम जो भी ऑप्शन रहेंगे वो ड्रीम इलेवन की टीम तैयार करेंगे, तब हम कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में चर्चा कर लेंगे। अब दोस्तों जो ट्रेंडिंग में ऐप चल रहा है बल्लेबाजी, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर डाउनलोड कर सकते हो। एक काफ़ी शानदार एप्लीकेशन है, इसमें आपके लिए दोस्तों कुछ खास आपके लिए क्लासिक कॉन्टेक्स्ट देखने को मिल जाता है। इसमें आप 11 प्लेयर खिला सकते हो, वहीं बैटिंग में आप 5 बॉलर बल्लेबाज खिला सकते हो और बॉलिंग में आप 5 बॉलर खिला सकते हो। ये आपके लिए दोस्तों इसमें एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, तो आप इसको एक बार जरूर ट्राई करिएगा। इसकी लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ऐसे डाउनलोड करके आप राज123 डालोगे। यहाँ दोस्तों राज123 डालोगे आपके लिए 50 रुपये का कैश बोनस आ जाएगा, तो आप एक बार इसे जरूर ट्राई करिएगा। आपको इसकी टीम का डायरेक्ट यहाँ से मैं फाइनल प्रीव्यू दिखा देता हूँ, आप इसकी टीम का डायरेक्ट यहाँ से फाइनल प्रीव्यू देख सकते हो। यहाँ से मैंने दोस्तों सागर को विकेट कीपिंग सेक्शन में टीम में ट्राई किया है, वो बल्लेबाज सेम है दोस्तों। यहाँ से मैंने एक बल्लेबाज यहाँ से चेंजेस किया है, उसके अलावा दोस्तों यहाँ से बॉलर में थोड़ा बहुत चेंजेस है, तो आप अपने हिसाब से इस टीम के साथ जा सकते हो। और दोस्तों मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर भी अपडेट कर दूंगा, यदि आप टेलीग्राम जुड़ना चाहते हो तो बिल्कुल जुड़ जाइए दोस्तों, उसके साथ भी जा सकते हो। कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए अभी मैं ड्रीम इलेवन आपके लिए यहाँ से ऑप्शन दिखा देता हूँ, तो आप वहाँ से एक बार कैप्टन वाइस कैप्टन अच्छे से समझ लीजिएगा। चलिए बात करते हैं यहाँ से सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की। लेकिन दोस्तों यदि उससे पहले अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और दोस्तों वीडियो को लाइक कर देना। आप लाइक नहीं करते दोस्तों इससे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। आपने कल की वीडियो पर मात्र 24 ही लाइक दी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दें और लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको पता है आपका एक लाइक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। सबसे पहले विकेट कीपिंग सेक्शन की बात करें, आरएस आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, जबकि सागर आपके लिए लगभग नंबर 7 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। अब आप चाहो जिसे टीम में ट्राई कर सकते हो, मैं दोस्तों यहाँ से आरएस को टीम में ट्राई करूँगा, आप चाहो तो सागर को भी टीम में ट्राई कर सकते हो। ये क्योंकि दोस्तों इनको पिछले मैच में लगातार डिमोट करता गया था दोस्तों, नंबर 8 पर भेज दिया गया था, और आरएस जबकि आपके लिए 5 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। आप चाहो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हो। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से बल्लेबाजी डिपार्टमेंट के बारे में बात करें, मनीष पांडे के बारे में अभी कोई कन्फर्म न्यूज़ नहीं है। जो भी इनके बारे में कन्फर्म न्यूज़ आएगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए जरूर अपडेट कर दूंगा, तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाएगी। उसके अलावा दोस्तों होवर आपके लिए शानदार ऑप्शन है दोस्तों, ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा अपने कोटे के 2-3 ओवर भी ये फेंकते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हीं टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके लिए अब्बास आपके लिए अच्छा ऑप्शन है दोस्तों, फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, आप इन्हीं टीम में ट्राई कर सकते हो। निश्चल आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, आप निश्चल को टीम में ट्राई कर सकते हो, ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों, शानदार बल्लेबाज हैं, आप इन्हीं टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों समृद्ध भी आपके लिए ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे दोस्तों पैंथर्स की ओर से, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। रेडी आपके लिए खेलते हुए नजर नहीं आएंगे, मैंगर आपके लिए नंबर 4 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। दोस्तों यहाँ से बड्रे के बारे में बात करें, ये आपके लिए नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे। वहीं मैं बात करें दोस्तों यहाँ से मनोहर के बारे में, मनोहर आपके लिए 6-7 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, उसके अलावा 1-2 ओवर भी फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। सिद्धार्थ के बारे में बात करें तो आप दोस्तों इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, लास्ट मैच में इन्होंने 77 रन की शानदार इनिंग्स खेली थी, उसके अलावा 1 विकेट भी इन्होंने चटका था, हालांकि इन्होंने 1 ओवर ही फेंका था उसमें इन्हें विकेट मिल गया था। अब आप चाहो जिन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी कर सकते हो, और दोस्तों यहाँ से इतना अच्छा ऑप्शन आपके लिए कोई बचता नहीं है। चलिए बात करते हैं मैं यहाँ से किन किन को टीम में ट्राई करने वाला हूँ दोस्तों, मैं यहाँ से होवर को टीम में ट्राई करने वाला हूँ, अब्बास को टीम में ट्राई करने वाला हूँ, उसके अलावा दोस्तों यहाँ से मैं निश्चल को टीम में ट्राई करने वाला हूँ। यदि आप इनकी जगह समृद्ध को लेना चाहते हो बिल्कुल
ले सकते हो। फिलहाल की स्थिति में दोस्तों मैं यहाँ से निश्चल को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, उसके अलावा दोस्तों यहाँ से मैं सिद्धार्थ को टीम में ट्राई करूँ क्योंकि ओपन भी करेंगे और अपने कोटे के 2 से 3 ओवर भी फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। चलिए बात करें दोस्तों यहाँ से ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की, ऑलराउंडर डिपार्टमेंट की बात करें दोस्तों यहाँ सबसे पहले बात करें जोशी की। जोशी आपके लिए नंबर 7 से 8 नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे जबकि अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। अब आप चाहो तो इन्हें एज अ बॉलर लेना चाहते हो बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों, आप अपने हिसाब से यहाँ से दोस्तों एडजस्ट करिएगा। उसके अलावा सुचित हैं दोस्तों आपके लिए लगभग नंबर 5 या 6 पर ये बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, आपके लिए ठीक ठाक ऑप्शन हो जाता है दोस्तों। गेंदबाजी बहुत शानदार करते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा दोस्तों यहाँ से नेगी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, नंबर 5 पर बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे और लगभग अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। अमित वर्मा के बारे में बात करूं दोस्तों आपके लिए फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करते हुए नजर आ जाएंगे, उसके अलावा दोस्तों अपनी कोटे के पूरे 4 ओवर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। वहीं बात करूं दोस्तों यहाँ अविनाश, अविनाश को आप एज अ प्योर गेंदबाजी ही टीम में ट्राई करिए क्योंकि लास्ट मैच में 10 नंबर पर बल्लेबाजी के लिए भेजा गया था और दोस्तों उसके अलावा अपने कोटे के पूरे 4 ओवर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। गेंदबाज शानदार हैं, आप जिन्हें टीम में ट्राई करना चाहते हो बिल्कुल कर सकते हो। वहीं बात करूं दोस्तों यहाँ से अक्षदीप सिंह ब्रार के बारे में, अक्षदीप सिंह ब्रार के बारे में आपके लिए बता दूंगा दोस्तों आपके लिए आईपीएल भी एक खेल चुकी है लेकिन दोस्तों यहाँ से बल्लेबाजी करने के लिए 7 नंबर पर आएंगे जबकि अपने कोटे के पूरे ओवर ये फेंकेंगे। भटकल के बारे में भी दोस्तों सेम कंडीशन है। अब आपके लिए मैंने यहाँ से पूरे ऑलराउंडर के सिनेरियो बता दिया है, यदि आप यहाँ से एक बल्लेबाज कम करके 4 यहाँ से ऑलराउंडर लेना चाहते हो तो बिल्कुल ले सकते हो दोस्तों, उसके लिए आप बिल्कुल आजाद हो। मैं यहाँ से दोस्तों अपनी चॉइस के बारे में बात करूँ तो मैं दोस्तों यहाँ से इन 3 को टीम में ट्राई करने वाला हूँ क्योंकि मैं जोशी को भी टीम में छोड़ने वाला हूँ क्योंकि इनकी जगह मैं दोस्तों एक स्पेशल गेंदबाज टीम में ट्राई कर सकती हूँ या स्पेशल बल्लेबाज यहाँ से टीम में ट्राई कर सकते हैं क्योंकि दोस्तों इनकी इतनी ना तो गेंदबाजी आनी है ना इतनी बल्लेबाजी आनी है। तो दोस्तों मैं यहाँ से इन 3 को टीम में ट्राई कर रहा हूँ, आप चाहो तो अपने हिसाब से कोई भी चेंजेस यहाँ से कर सकते हो दोस्तों। चलिए बात करते हैं दोस्तों यहाँ से बॉलिंग डिपार्टमेंट की, बॉलिंग डिपार्टमेंट की बात करूँ दोस्तों यहाँ से आपके लिए बदवानी खेलती हुई नजर नहीं आएंगे दोस्तों और सारिक भी खेलती हुई नजर नहीं आएंगे, तो इन दोनों को टीम में ट्राई नहीं करना है। या दोस्तों खेलेंगे तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर आपके लिए लगभग कंफर्म कर दूंगा क्योंकि यहाँ से टीम तो आना इनकी काफ़ी टफ रहती है दोस्तों, टीम तो नहीं आती है। आपने 2 से 3 मैच 4-5 मैच हुए हैं उनमें देखा होगा दोस्तों कि बिल्कुल टीम यहाँ से नहीं दे पाए कोई भी दोस्तों यहाँ से यूट्यूबर दोस्तों टॉस के बाद। वही बात करें विजय कुमार आपके लिए ओपन करते हुए गेंदबाजी की ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे, तो आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो। उसके अलावा फारूकी आपके लिए शानदार ऑप्शन है दोस्तों, इन्होंने दोस्तों पिछले मैच में आप यहाँ से आपके लिए 2 विकेट चटका के दिए थे और शानदार इन्होंने गेंदबाजी की थी, लाइन लेन इनकी काफ़ी शानदार थी दोस्तों। मैं मैच देख रहा था यहाँ से दोस्तों लगभग मैं पूरे मैच देख रहा हूँ तब मैं आपके लिए इतनी इन्फॉर्मेशन यहाँ से कले आपके लिए दोस्तों उपलब्ध करा पाता हूँ। ऐसे नहीं कि दोस्तों यहाँ से तुक्का मार दिया कुछ भी। उसके बाद बात करें हेगड़े आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। डेथ ओवर में भी गेंदबाजी करते हैं और शुरुआत में भी गेंदबाजी ये करते हैं फारूकी दोस्तों, कुछ ओवर शुरुआत में करेंगे कुछ मिडिल ऑर्डर्स में करेंगे, डेथ ओवर्स में इतनी गेंदबाजी नहीं करेंगे। उसके अलावा बात करें दोस्तों आपके लिए यहाँ से पराबीर वेंकटेश मूर्ति आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है, तो आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो दोस्तों। बोरिया स्कोर से एक अच्छे गेंदबाज हैं। उसके अलावा दोस्तों और ऑप्शंस के बारे में बात करें तो आपके लिए डीकेएस शानदार गेंदबाज हो जाते हैं दोस्तों, आप बोरिया स्कोर से आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो। यहाँ से दोस्तों मैंने आपके लिए पूरे ऑप्शंस खोल दिए, आप चाहो जैसे टीम में ट्राई कर सकते हो, आप चाहो अवॉइड भी जैसे कर सकते हो। मैं यहाँ से दोस्तों लेकिन हो रही यहाँ से हेगड़े को टीम में ट्राई करूंगा। अब बात करें दोस्तों यहाँ से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए, और खास बात आपके लिए कैडेट कोई इशू नहीं आएगी, आपके लिए 2 कैडेट अभी भी मेरे पास शेष बचे हैं, तो आप अपने हिसाब से दोस्तों कोई भी एडजस्ट टीम में कर सकते हो। चलिए बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में, कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करें दोस्तों यहाँ से अमित वर्मा दोस्तों शानदार आपके लिए चॉइस रह सकती है क्योंकि फर्स्ट डाउन बल्लेबाजी करेंगे, उसके अलावा दोस्तों अपने कोटे के पूरे 3 से 4 ओवर फेंकते हुए नजर आ जाएंगे। भाई सिद्धार्थ आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाता है दोस्तों, जितने ओवर अमित वर्मा कम फेंकेंगे इतने ओवर ही सिद्धार्थ फेंकने के लिए आएंगे। अब बात करें दोस्तों यहाँ से होवर के बारे में, तो होवर भी आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं, आप इन्हें टीम में ट्राई कर सकते हो एज अ दोस्तों एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, आप इन्हें भी टीम में ट्राई कर सकते हो क्योंकि दोस्तों ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे। उसके अलावा 1 से 2 ओवर अपने कोटे के फेंकेंगे, गेंदबाजी की शुरुआत लगभग करते हुए नजर आ जाएंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ से बेस्ट ऑप्शन आपके लिए मैं 3 चॉइस यहाँ से स्मॉल लीग के लिए बता देता हूँ दोस्तों। यहाँ से अमित वर्मा आपके लिए शानदार चॉइस है, उसके अलावा होवर है, और दोस्तों यहाँ से आपके लिए सिद्धार्थ आपके लिए 3 चॉइस दोस्तों बेस्ट हो जाती है एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन, आप अपनी टीम में ट्राई कर सकते हो। मैं आज दोस्तों अमित वर्मा को लगभग की टीम में कैप्टन ट्राई करूंगा और होवर को मैं वाइस कैप्टन टीम में ट्राई करने वाला हूं। आप चाहो सिद्धार्थ को भी रोटेट कर सकते हो या आप इन दोनों को रोटेशन
कर सकते हो। वहीं दोस्तों बात करें ग्रैंड लीग के, ग्रैंड लीग के बारे में बात करें तो सुचित आपके लिए शानदार ऑप्शन हो जाते हैं। उसके अलावा आपके लिए यहाँ से अब्बास अच्छे ऑप्शन है, आप इन्हें भी टीम में एज अ कैप्टन वाइस कैप्टन टीम में ट्राई कर सकते हो। और दोस्तों निश्चल आपके लिए कुछ तीन ऑप्शन आपके लिए ग्रैंड लीग के लिए शानदार ऑप्शन है। आप अपने हिसाब से यदि इसमें स्मॉल लीग में भी इन्वेस्ट बनाना चाहते हो बिल्कुल बना सकते हो, लेकिन स्मॉल लीग के लिए मैं आपके लिए यहाँ से तीन चॉइस पहले ही यहाँ से आपके लिए बता चुका हूँ। आप इनमें से स्मॉल लीग में ट्राई करिए कैप्टन वाइस कैप्टन बनाने की। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।